कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शट गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। सन 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए ये मिशन लगभग 18 बार अपनी लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल ना होने और तेजी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर शटल सफेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक तो ये पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर्स से ही कोई गलती हुई, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम भला क्या बला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का, और इन रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से अंतरिक्ष की ओर ले जाने के लिए जरूरी होता है फ्यूल।
तो दोस्तों ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। चूंकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो इसको करीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाती है। और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसको लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट जो झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा, तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद जनवरी 17, 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था, और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर्स से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरिक्ष के दीवाने अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए सितारों में कहीं खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत से अन्य चीजों में कल्पना चावला का नाम रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पर ही रखा है। ये थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में आकाश की असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और टिमटिमाते तारों को छूने की अदम्य इच्छा थी। आज वो कल्पना सितारों में खो गई, जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लें, ताकि आने वाले हर इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगले नए एपिसोड।